What's up guys? So welcome to my YouTube channel Markshat Lifts. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में. सो देखो, सबको आज की डेट में फिट होना है, राइट? सबको अपना फैट कम करना है. एवरी वन वॉन्ट्स टू बी फिट. क्यों? बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी उससे इम्प्रूव होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका बात करने का तरीका, एवरीथिंग चेंजेस. इफ यू आर फिट देन एवरीथिंग इन योर लाइफ चेंजेस, योर लाइफ स्टाइल चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, राइट? सो कुछ थोड़े से छोटे मोटे पॉइंटर्स और टिप्स दूंगा. ये सब करोगे आप फॉलो, सो 100% रिजल्ट्स दिखेंगे. और लेकिन अच्छे से फॉलो करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से, तो रिजल्ट्स मिलेंगे. टाइम लगेगा, ये कोई ये नहीं है कि यार एक हफ्ते में ये वेट कम हो गया, एक हफ्ते में वो कम हो गया. टाइम लगता है, प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, रिजल्ट्स अभी आएंगे. तो चलिए उसके बारे में बातें करते हैं. ओके, सो सबसे पहले आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए. बी इट एनी स्पोर्ट्स, यू कैन जॉइन द जिम, कोई भी यार योगा ले लो, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को करिए इन्वॉल्व. बिकॉज वो उससे आप जितना आप खा रहे हो बर्न करोगे, सो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी पे. एंड 10 से 12 हज़ार, 10,000 से 12,000 स्टेप्स पर डे करने ही करने हैं, वो बिल्कुल नहीं मिस होना चाहिए. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैट लॉस के लिए, राइट? सो एक चीज हो गई 10,000 से 12,000 स्टेप्स एवरी डे. कभी टाइम निकाल के करो यार, सुबह करो, दोपहर में करो, रात को करो, खाना खाने के बाद करो, वेन एवर, जब आपका दिल चाहे करो. कोई ये नहीं है, एक इन जरूरी नहीं है एक बारी में, एक इंटरवल में करना, एक बारी में पूरा करना है आपको, राइट? इंटरवल्स बना लो. तो लाइक मान लो सुबह आपने कुछ हज़ार स्टेप्स करे, फिर कुछ हज़ार स्टेप्स करे, फिर कुछ हज़ार स्टेप्स करे, ऐसे भी चलेगा. गोल होना चाहिए दिन के 10 से 12 हज़ार स्टेप्स होने चाहिए. तो दूसरी चीज़ है आपकी डाइट. देखो लोग गधों की तरह काम करते हैं, कितनी ट्रेनिंग कर लें, कितनी मेहनत कर लेंगे, तुम 10,000-20,000 स्टेप चल लो रोज, सब करते रहोगे, लेकिन तुम ढंग का खाना ही नहीं खाओगे, तुम्हारी बॉडी को कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट इज़, देखो एक चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बता रखी है और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ ऑलवेज 70% डाइट एंड 30% ट्रेनिंग. डाइट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. देखो डाइट का ये मतलब नहीं है तुम्हें एकदम सब कुछ नाप के, एकदम कैलकुलेट करके अच्छे से सब खाना है. मतलब ये एटलीस्ट शुरुआत करो, घर का खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ जितना खा सकते हो, राइट? कि बाहर का जंक जितना अवॉइड कर सकते हो करो, फास्ट फूड अवॉइड करो और अपना मीठा बंद कर दो. मीठा कोई ये नहीं है रोज़ खाना है. देखो आपको सबको क्रेविंग्स होएगी हर चीज़ों की, राइट? तो हफ्ते में एक दिन रखो, ऐसा सैटरडे रखो, संडे रखो, कोई दिन रखो, खाओ उस दिन, लेकिन लिमिट में खाओ. ये नहीं एकदम कि उसी से सारा पूरा पेट भर के मील की तरह खा रहे हो, आराम से इंजॉय करो उस चीज़ को और खाओ, राइट? तो ये चीज़ें करके देखो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी पे और आपको अंदर से खुद से ही अच्छा फील होना चालू हो जाएगा. कि आपको अपने आप से लिटरली अच्छा फील रहेगा कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छी लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, मैं अच्छे से फिटनेस कर रहा हूँ, मैं अच्छे से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ. आपकी बॉडी थैंक करेगी आपको एक टाइम पे. सो एक और चीज़ है कि मैं रियली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जिम जा सकते हो तो जाओ, जस्ट जॉइन अ गुड जिम. बिकॉज वेट ट्रेनिंग, जिम में जाकर प्रॉपर वेट ट्रेनिंग अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड सर्वेलेंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका फैट बर्न करने में, फैट लॉस में, फैट बर्न करने में. आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेट ट्रेनिंग. देखो लोगों का क्या होता है, कोई बोलता है कि कार्डियो करो, भागते रहो, कितना भाग लोगे, कुछ कर लोगे, उससे उतना नहीं फर्क पड़ेगा. अगर आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके साथ अलावा आप कार्डियो कर रहे हो, उसका रिजल्ट देखो, आपकी मसल में भी इंप्रूवमेंट होएगी और आपका फैट भी लॉस होएगा. ये गलती मैं कर चुका हूँ, मैं तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या करता था भाई, दिन का 10-10, 12-12 किलोमीटर भाग रहा था मैं. डाइट का कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ ध्यान नहीं था, तो एकदम पतला होने लग रहा था, थोड़ा वीकनेस हो रही थी, अजीब सी हो रही थी. ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी या फिर बॉडी में, खाना अच्छे से नहीं खाओगे और सिर्फ कार्डियो में सारा फोकस मार दोगे, कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी को. कार्डियो बहुत अच्छी चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर अपना होनी चाहिए वो, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भागते रहो. जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करके मसल को भी अपना इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है. वेट ट्रेनिंग से बहुत फैट लॉस होता है. वेट ट्रेनिंग करो और उसके बाद तुम्हें अगर और कार्डियो करना है
ना ट्रेडमिल पे जाओ, तुम रनिंग करो, किसी ने मना नहीं किया, बहुत अच्छी चीज़ है वो, रनिंग करो तुम अपना अपना वेट ट्रेनिंग के बाद में। एक बहुत अच्छी सजेशन और है, वेट ट्रेनिंग अगर तुम्हारी पूरी खत्म हो गई है उसके बाद तुम अपना ट्रेडमिल पे इंक्लाइन पे 12 से 14 के इंक्लाइन पे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आराम से एकदम कंफर्टेबल वॉक की स्पीड पे 20 से 30 मिनट वॉक करो वेट ट्रेनिंग के बाद इंक्लाइन करके। अच्छा कैसे बर्न नहीं होएंगे, सारा फैरा फैट बर्न होएगा, सब बर्न होएगा। तो यही है, तो फिर यही सारे पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 10 से 12,000 स्टेप्स, राइट, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। फिर दूसरा मैंने बताया कि आप अपना डाइट पर ध्यान दो, इट इज 70% डाइट एंड 30% ट्रेनिंग। मीठा कम कर दो, मीठा बंद कर दो, सॉरी, अपना जंक फूड और इन सबको कम कर दो, एक्सक्यूज मी। तो अपना आप हफ्ते में एक बार खाओ, किसी ने मना नहीं किया, एक दो बार खाओ लेकिन कंट्रोल करके खाओ, लिमिट में खाओ। तीसरा, वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिकमेंड अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो करो, डोंट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। आपको आपका लाइफ बदल जाएगी ये सब चीज़ें करने के बाद, आपका फैट भी लॉस होने लग जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेट ट्रेनिंग करने के बाद अपना कार्डियो करना है, बताया मैंने, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है, दीज आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फैट लॉस, राइट। सो दिस इज इट, सो यहीं पे करते हैं वीडियो एंड। सो दिस इज माई फर्स्ट एवर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू।